स्टूडेंट, हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आइए फिर से हम हाजिर है आपके सेवा में ना डायलॉग आपके पास, आपके लिए और आपके खातिर। तो हम लोग मिलते हैं आज 126 नंबर क्वेश्चन से। पिछले क्लास में हम लोग 125 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आइए आज बारी है 126 नंबर की। लिखते हैं हम लोग 126 नंबर। थोड़ी सी इसका कलर सेलेक्ट हो जाए, और इसके लिए कौन सा ये दिख रहा है जरा देख लीजिएगा सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन है हम लोगों का 126। देखा जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। माइनस पाई से पाई तक टेन एक्स डीएक्स, क्वेश्चन को देख के है ये लव लेटर वाला बात याद करिए। माइनस ए से ए वाला फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, एक आंसर दू गो कब डी जीरो डायरेक्टली फंक्शन ऑड फंक्शन रहे तब। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है भैया, तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल, सॉरी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ना। इसका आंसर 2 × 0 से ए तक फंक्शन ऑफ एक्स से डी एक्स कब, जब फंक्शन इवेन फंक्शन रहे तब। इवेन का मतलब माइनस का चिन्ह पचा ले, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए तब। हाँ देख तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा ना हो खल, यानी टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा ना होता है माइनस, तो इस ससुरा माइनस का चिन्ह नहीं पचाया तो ऑड फंक्शन आंख मुन के ठोकिए जीरो काम इज खत तो। हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिधर आंसर मिले आपको सेम सेम नंबर, नीचे निगेटिव में हो ऊपर पॉजिटिव हो, देखिए ससुरा को ऑड है कि इवन, ठोकिए तो डायरेक्टली ऑड मिले तो एकदम साफ ना। ठीक है, आइए और इस पे एक महा ऑफर धमाका ससुरा 127 भी है, देखिए उसको 127। क्वेश्चन है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, फिर वही याद करिएगा साइन क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको रिप्लेस करिएगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल साइन क्यू एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल क्यू भैया बउआ वाली बात। इसीलिए अब हम लोग फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन माइनस एक्स का होल क्यू। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है आप जानते हैं, आयकर होल क्यू करिएगा तो माइनस वक्त का क्यू का हो तो माइनस है नू, और साइन क्यू एक्स यानी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ससुरा और धड़ाक से ठोकिए जीरो काम खत्म। हाँ, ऑड फंक्शन इसका आंसर जीरो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 126 का भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, दोनों लगातार बस याद रखिए, जो लिमिटिंग वैल्यू नीचे हो वही ऊपर हो, बस नीचे निगेटिव में हो ऊपर पॉजिटिव में हो, देख लेना है ऑड इवन काम खत्म। आइए मिलिए 128 साहब से। 128 नंबर क्वेश्चन इज बनिया ना बहुत तगड़ा, डीएक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। गधा छाप दिमाग से सोचिएगा तो कब नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। इसमें ई के पावर एक्स से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेस में रहले पे भैया पाव गुना में पावर जुटल है, चलो तो क्या स्टेप बढ़ा देता नहीं तारा। ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। ठीक है, चलिए ऊपर ई के पावर एक्स डी एक्स, बेस में रहले पे पावर जुटेल भाई ई के पावर तरीका प्यार देता नहीं तो भगाई हो देता नहीं, एक स्टेप एक्स का पावर टू पावर पावर गुना होता है 2x हो जाएगा। प्लस ही देखिए बेस में रहने पे गुना में पावर जुटता है तो माइनस एक्स प्लस एक्स मर गए जीरो, ई के पावर जीरो वैल्यू वन खत्म, प्लस वन हो गया। ठीक है, अब देखिए तो अब ई के पावर एक्स को पुट कर लीजिए जेड, डिफरेंशिएट करिएगा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी सेम डी एक्स इक्वल डी जेड। अब इंटीग्रल हम लोग का बदल गया ना, नया इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई के पावर एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ओनली डी जेड। अब बट्टा में कथी ई के पावर एक्स को आप जेड माने थे ना, तो ये जेड स्क्वायर प्लस में वन, वन को स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा है, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है,
वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डीसी वन बाई, सॉरी टेन इनवर्स एक्स का सही बोल रहे थे, टेन इनवर्स एक्स का डीसी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, ठोकिए ताली मिलाइए आंसर टेन इनवर्स एक्स, एक्स के पे क्या है इसमें जेड प्लस सी, मान रखिए टेन इनवर्स जेड का किसको माने थे, ई के पावर एक्स को ना, ई के पावर एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर मिलाइए आंसर टेन इनवर्स ई के पावर एक्स। वाह क्या बात है, लगातार यही ऑप्शन मिल रहा है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान से। चलिए मिटाते हैं इसको, देख लिया जाए, दिख तो रहा है फ्रेश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत होता था, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे और हम लोग ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं 129 नंबर से, 129 सब बकलोल क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू ई का पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है 1 dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर ना लीजिए भैया, e 4 इंटू ई का पावर 3x dx प्लस 1 dx, ठीक है 4 कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी सेम, याद रखिएगा ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ x को नीचे, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से के या सी, देखिए ऑप्शन 4 बाई 3, 4 बाई 3 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, देखा जाए 4 बाई 3 के पावर 3x प्लस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, ठीक है आइए तो बगलोल क्वेश्चन है सब जी, 130 इंटीग्रल 3 साइड में रूट एक्स डी एक्स, 3 साइड में रखिए रूट एक्स का मतलब भैया पावर 1 बट्टा के कथी 2, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाइए ठोकिए काम खत्म, 3 साइड में आप याद करिए पावर एक जुटेला इंटीग्रेशन में और वही पावर से भाग दिया जाला, ठीक भाई 3 एकरा का पलटी मार के गुना करो 2 बट्टा के 3 एक्स के पावर 3 बट्टा के 2 काम हो गया, फिर मारिए 2 एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस सी, मिलाइए आंसर 20 एक्स के पावर 3 बाई 2 20 एक्स के पावर 3 बाई, क्या बात है, एक का इसमें ज्यादा है ना, कभी कभी ना लो जाता है, कोनो बम पे लाठुआ जो होता है, जय बजरंग बोली ए इज सही अगर कहीं कहीं लो हो गई तो लो हो गई ला, तो लहाना नहीं है, ठीक है चलिए हमको नहीं लेने आता है ठीक है, देख लीजिएगा लोग अपने सुविधा के अनुसार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए मिटाते हैं ऑप्शन, इसका मिला लीजिए भैया कौन सा, 130 का ए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्वेश्चन के व्यवसी को, आप मेरे दिल की व्यवसी को समझिएगा, आतिका क्वेश्चन के व्यवसी को 2022 में पूछा हुआ है। आइए चलिए मिलते हैं हम लोग 131 की क्वेश्चन dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x, अरे भैया ये तो दिमाग वाली बात ही नहीं तो दिल वाली बात है, ये तो दिल वाली बात इसलिए, ये तो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का डीसी क्या 1 बाई 1 प्लस सॉरी साइन इनवर्स x का डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, जोड़िए साइन इनवर्स x प्लस सी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है 132 साहब से मिलिए, 132 है वहीं किन्ने गया 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जरा इसको करिए दूसरे अंदर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको डिंग डंग नहीं करिए उसी के साथ रहने दीजिए
फोर एक्स है ना, तो इसको टू एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो टू एक्स का होल स्क्वायर, हाई होल स्क्वायर है भैया। अब इसको पुट कर ना दीजिए, टू एक्स को क्या जेड, तो टू एक्स साइड में रहेगा और टू कॉन्स्टेंट साइड में रहेगा एक्स का डिसीवन, और डी एक्स इक्वल डी जेड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, सेम में आ गया, इतना ही रहने दीजिए। इसलिए इंटीग्रल इक्वल क्या हो जाएगा, टू एक्स सॉरी टू डी एक्स के जगह पे क्या डी जेड, ऊपर में खाली डी जेड बट्टा के वन प्लस टू एक्स को आपने क्या माना जेड, तो ये जेड स्क्वायर क्या हो गया, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, टेन इनवर्स एक्स, यानी एक्स के जगह पे क्या जेड और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, टेन इनवर्स जेड का मान रख लीजिए, जेड किसको माने थे भैया आप, टू एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, मिला ये आंसर, टेन इनवर्स टू एक्स, 132 का ऑप्शन सी, टेन इनवर्स टू एक्स, 132 का आंसर भैया कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सब आसान आसान क्वेश्चन है, आइए मिटाते हैं। मिलते हैं हम लोग कौन सा 133 आपसे, 133 क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा के कोसेक एक्स डीएक्स, ठीक है। क्वेश्चन देख के आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन हम लोग चुतिया फंसाया है, गधा बनाया है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, वन ना, ऊपर वन लिख लेंगे, वन डीएक्स कोसेक एक्स, वन बाई कोसेक इक्वल क्या होता है, साइन साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, मिलाइए आंसर, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, देखा जाए ये नहीं है, नहीं है, हाँ इधर है, केवा को पहले लिख लिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया डी। आइए बारी है 134 की, इंटीग्रल है 3 dx, कुछ नहीं है आपको, इसको बहुत सारा तरीका है, आप 3 को अंदर लिख सकते हैं, अब 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बताए हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c या k जोड़ देते हैं, तो 3x + c क्या बात है, ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट, ठीक है। आइए 135 से मिलते हैं, थोड़ी सी इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए मिटा देते हैं इसको, चूंकि जगह नहीं है, ठीक है। एक सौ बस मात्र दो क्वेश्चन है, दो मिनट की बात है। 135 नंबर क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो लिमिटिंग वैल्यू 1 से 4 तक, और रूट एक्स डी एक्स है, आप जानते हैं 1 से 4 एक्स का रूट का मतलब पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है। आप जानते हैं ये भी पावर बढ़ता है, एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सॉरी ये लिमिटिंग वैल्यू इसके माथे पर रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 2/ पलटी मार के 3 बाहर कर लीजिए और बचेगा x के पावर 3/2 का लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से, 1 से 4 तक, ठीक है। एक बार x के पे 4 रखिए, एक बार 1 रखिए, तो 2/3 बेचारा साइड में ही रहेगा और एक्स के पे 4 रखेगा, 4 क्या बताएं, चलिए रख देते हैं एक बार 3/2 माइनस 1/3/2, ठीक है, याद है ना ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 2/3 इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लीजिए और पावर होल 3/2 है, माइनस 1 का पावर कुछ हुआ नहीं ना भैया, 2/3 आई देखिए तो जरा 2 सही हो गया, 2^3 = 8 और -1 = 7, तो आंसर हो गया 2/3 गुना 7, गुना करना है कर लीजिए, 7 × 14/3 मिलाइए आंसर, 14/3, वाह क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ी सी तेजी है, ऑब्जेक्टिव है, आप ही के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फायदा होगा, समय बचेगा, देख लीजिए।
बस लास्ट 136, जीरो से वन तक एक्स इंटू वन माइनस एक्स का होल पावर 10 डीएक्स। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली ढंग से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो प्रॉपर्टीज याद करिए जरा, एक्स को यानी वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, यानी जीरो प्लस वन माइनस एक्स, यानी फाइनली एक्स की जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग, वन माइनस एक्स। तो नया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, जीरो से वन लिमिटिंग वैल्यू वही रहेगा, एक्स की जगह पे क्या रखना है खाली वन माइनस एक्स। जरा ध्यान से इसको वन माइनस एक्स की जगह पे क्या रखना है, वन माइनस एक्स। तो वन माइनस माइनस कथी हो जाएगा, प्लस एक्स का होल पावर कथी 10 डी एक्स, काम खत्म, वन वन मर गए। देखिए तो जीरो से वन बचा वन माइनस एक्स, और ये एक्स का पावर ही तो खत्म हो गया ना, एक्स का पावर 10 बचा, ठीक है। dx जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के पावर 10 माइनस बेस सिमिलर पे गुना में पावर जुड़ता है x के पावर 11, इंटीग्रेशन कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। जरा ध्यान दीजिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ाते हैं, सॉरी तो x के पावर हो जाएगा 11 या बटा के उसी पावर से भाग करते हैं ना, माइनस x के पावर एक बढ़ाएंगे, 11 है तो एक बढ़ जाएगा तो 12 बटा के 12 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, मिलाइए आंसर। अरे 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 कुछ मिस किया हम लोग भैया, लिमिट दिया है ना जीरो से वन तक, सॉरी कोई काम बिगड़ा नहीं है, अभी सी को छोड़ लीजिए जीरो से वन तक, ठीक है। एक बार एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, वन, एक बार एक्स के जगह पे जीरो। तो यहाँ पे रखिए तो देखिए तो वन के पावर 11 बटा के 11 माइनस वन के पावर 12 बटा के 12 एक साइड रखिए माइनस है, जीरो जीरो रखिएगा इस ससुरा तो जीरो हुए हो जाएगा नहीं, एक बाजार खत्म है। बचा इधर एक बट्टा 11 माइनस एक बट्टा 12, 11 12 का एलसीएम लीजिएगा 132, 12 माइनस 11 एक, क्या बात है, एक बटा के 132 मिलाइए, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देख लीजिए बस यही था क्वेश्चन आपका, चलिए रहने देते हैं थोड़ा सा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।